अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ सूजी के केक की रेसिपी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं सूजी केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ना 2 कप लिया है सूजी, और इसे हमें ना मिक्सी की जार में डाल के पीस लेना है। ये रेगुलर सूजी है जिससे हम हलवा या शीरा बनाते हैं ना, ये वही सूजी है। अब इसे हम डाल देंगे मिक्सी की जार में, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शक्कर। तो मैंने यहाँ पर 1 कप शक्कर लिया है। अगर आप शक्कर कम खाते हो तो 3/4 कप भी आप डाल सकते हो। बस अभी इसे क्या करना है ना, हमें एकदम अच्छे से पीस लेना है। चलिए देखिए, मैंने इसे पीस के निकाल लिया। अब एक बाउल लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप दही। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। 1/2 कप ऑयल डाल देंगे और कुछ ड्रॉप डाल देंगे वेनिला एसेंस के। तो आप लोग अगर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो तो ये बात का ध्यान रखिए कि उसमें कोई स्मेल नहीं होना चाहिए। आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो या आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे ना, 1/3 कप डाल देंगे दूध। अब दूध डालने के बाद फिर से इसे मिक्स कर लीजिए। इसके बाद जो हमने सूजी और शक्कर को जो हमने पीस के रखा था ना, इसे हमें 2 बार करके इसमें डालना है। पहले 1/2 डालिए, इसे मिक्स कर लीजिए। इसके बाद जो बचा हुआ है इसे भी इसमें डाल दीजिए, और इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही हेल्दी केक होता है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए 2 टेबलस्पून मैंने डाला है मिल्क पाउडर, और 1/2 टीस्पून डाल दिया है मैंने इलायची का पाउडर। हरी इलायची का पाउडर है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको इलायची की खुशबू पसंद है तो आप डालिए, सूजी केक में ये बहुत अच्छा लगता है। अब इसे भी डालने के बाद अच्छे से देखिए मैंने मिक्स कर लिया। अब क्या करना है ना, हमें इसे रेस्ट के लिए रखना है। तो इसे मैं ढक दूंगी और 15 से 20 मिनट तक इसी तरीके से रहने दूंगी। जब तक कि हम क्या करेंगे ना, एक पतीला चढ़ा देंगे। ये केक मैं बना रही हूँ पतीले में। पतीले के अंदर मैंने एक छोटा सा ढक्कन रख दिया है, और 5 मिनट के लिए इसे प्रीहीट कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और यहाँ पर देखिए कुछ टूटी फ्रूटी लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून डाल देंगे मैदा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम इसे बैटर में डालें ना तो ये नीचे बैठेगा नहीं। देखिए 20 मिनट बाद मैंने बैटर को चेक किया है, बैटर देख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा ये थिक हो गया है। तो क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें बेकिंग पाउडर, और 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। और इसके बाद क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा मैं ना 1 से 2 ड्रॉप डाल दूंगी ये जेल कलर का। ये ऑप्शनल है, अगर आपको बिना कलर के बनाना है तो आप बना सकते हो। मैंने तो बस इसी, क्या है ना कि अच्छा दिखेगा इसलिए मैंने डाला है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अभी इन सबको डालने के बाद फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और जो हमने फूड जेल कलर डाला है ना, वो अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए। आप लोग देख सकते हो थिक बैटर थोड़ा सा थिक है। तो क्या करूँगी ना मैं, इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क और डाल देंगे, और इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मिल्क बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब क्या करते हैं ना, देखिए एक टिन लिया है मैंने, केक टिन, ये लोफ केक टिन है, इसको मैंने ग्रीस करके रख लिया है। अब बैटर के अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल देंगे, एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी टिन इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो ना आप उसमें बना सकते हो। तो देखिए सारा बैटर मैं इसमें डाल दूंगी। अब क्या करेंगे, इसे ना हल्का सा टैप कर देंगे ताकि इसमें जो बबल वगैरह होगा ना तो वो निकल जाएगा। टैप करने के बाद इसके ऊपर जो टूटी फ्रूटी बची हुई है उसे डाल देंगे, और थोड़े से बादाम से इसे मैं गार्निश कर लूँगी। देखिए ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो डालिए। आप, मेरे पास बादाम था, मैंने बादाम डाला है। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो आप टोटली इसे स्किप कर सकते हो। तो चलिए अब देखिए बादाम से भी मैंने गार्निश कर लिया। अब क्या करूँगी, इसे ना मैं एक बार फिर से टैप कर दूँगी, और फिर इसे हम रख देंगे जो हमने प्रीहीट किया है बर्तन, उसके अंदर इसे डाल देंगे। 1 से 2 बार टैप कर लिया मैंने, और यहाँ पर हमारा पतीला भी अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। अब इसके अंदर अब ये जो केक का बर्तन है इसे रख देंगे। बहुत ध्यान से रखिएगा क्योंकि पतीला बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया था, इसलिए आप लोग ध्यान से इस बात का ख्याल रखिएगा। अब क्या करेंगे ना, 45 मिनट तक इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। बीच में 30 मिनट बाद इसे चेक ज़रूर कीजिएगा, उससे पहले बिल्कुल भी आपको खोल के देखना नहीं है, वरना हमारा केक नीचे बैठ जाएगा। देखिए पूरा 45 मिनट हो गया और हमारा केक एकदम अच्छे से रेडी हो गया। 30 मिनट बाद मैंने इसे चेक किया था लेकिन ये रेडी नहीं हुआ था।
इसे नाइफ से या टूथपिक से चेक कर लीजिए। अगर क्लीन निकलती है तो आपका केक अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब तक के केक पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो जाता, इसे आप लोग बिल्कुल भी केक टिन में से बिल्कुल भी मत निकालिएगा, वरना केक हमारा टूट सकता है। मुझे आदत है, मैं बनाते रहती हूँ, इसलिए मैंने इसे आसानी से निकाल लिया है, क्योंकि मेरा केक अभी भी गर्म है और इसे बिल्कुल भी गर्म में इसे हमें कट नहीं करना है। इससे क्या होगा ना कि हमारे केक है ना टूटने लगेंगे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसे गर्मा गर्म में ही कट किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये इतना टेस्टी, इतना मज़े का बना था, खाने में पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपने ये सूजी का केक बनाया है। आपने देखा, इसमें हमने ना मैदा इस्तेमाल किया है, कोई भी ना ही तो आटा इस्तेमाल किया है, फुल हमने इसे सूजी से ही बनाया है। आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से बन गया है ये केक, और इतना सॉफ्ट बना था, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अभी हाथ में उठा के, कितना सॉफ्ट इसका टेक्सचर देखिए आप लोग, बहुत मज़े का केक बना था। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कौन सी रेसिपी देखनी है। चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।